नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसएस बटोटिया तरवन नर्सरी फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। जी देखो जी, मैं आपको ना कुछ पोटेड प्लांट्स के बारे में बताता हूँ। जी ये है, देखो ये फ्लावरिंग श्रब्स है, ये किस चीज के प्लांट है? तो बहुत सुंदर दिख रहे ये है हैं। जी मालपीजिया ग्लैबरा। ओके जी ये अभी देखो समर्स में फ्लावरिंग पे रहता है, ये अभी जी जो जी जी अप्रैल ऑनवर्ड्स ना इसकी बहुत अच्छी बुश बनती है। आप लैंडस्केप में भी इसको लगा सकते हो, पॉट्स अरे में भी लगा सकते हो, टेरेस पे भी लगा सकते हो, इसकी बोनसाई भी बना सकते हो, पेंजिंग बोनसाई में भी यूज हो सकता है। अच्छा। बहुत हार्डी प्लांट है। और ये देखो, ये हमने ये ऐसे लगा रखा है इसको, ये पॉट में लगा हुआ है। देखो ये कितना बढ़िया पेड़ बना हुआ है। जी अभी अभी इसकी फ्लावरिंग शुरू हुई है, जब पूरा खिल जाएगा उस टाइम देखना जी। ये तो ये वाले ना, ये वाले, ये मालपीजिया ग्लैबरा बोलते हैं, कटिंग से भी बन जाता है। ओके जी पर आपको कटिंग से अगर बनाना है तो उसको प्रॉपर एक उसका वो प्रोपेगेशन मीडिया में लगाओगे तभी चलेगा। ऑर्डनरी मिट्टी में कोई भी पेड़ नहीं चलने वाला। ओके okay. ऐसे देखो एक ये है, फाइकस की वैरायटी है, इसके देखो कितने छोटे छोटे पत्ते ये हैं। भी को हाँ ये हाँ वैरायटी को क्या? ये फाइकस माइक्रोकार्पा है। ओके okay. ये देखो ये वाला, ये इसके देखो ये छोटे पेड़ है, फिर ये थोड़ा इससे बड़ा है, इससे हाँ, ये बड़ा भी है। हाँ बहुत सुंदर बोनसाई हाँ तो ये बनी देखो हुई है। आप ना ये घर में वगैरह में लगा के रख सकते हो ये वाले। ये हल्की धूप छाया में भी मेंटेन चल, भी सही से कर सकते हैं। हार्डी प्लांट है तो इनको ओके ना, तो ये देखो कितने सुंदर पेड़ है, ये आप अपने घर पे लगा सकते हो। पर जी इसके अंदर देखो एक चीज है, आपको ना बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है वो आपको करते रहना पड़ेगा। जी अभी देखो इसको खाद है, गुड़ाई है, ये ना आप करते रहना। जी और लोबा ये लगा के छोड़ दिया ऐसे भी नहीं। अब देखो इस पेड़ के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें जो भी ये सूखी टहनी है ना, ये देखो जी ये सब काटनी चाहिए। ये वाले ये ब्रांचेज है, ये है जो भी इस तरह, ये जो भी है, ये देखो ये। तो देखो नर्सरी वाले के हमारे पास तो लाखों पेड़ है, तो हमारे तो हर एक पेड़ को ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी पर जिनके पास थोड़े पेड़ है, लिमिटेड प्लांट्स है, वो तो ये कर सकते हैं। जो सिर्फ अपना गार्डन ही हाँ मेंटेन हाँ करते हैं तो उनके उसमें लिए। देखो ऐसे ना, इसमें इसमें और बीच बीच में इनको थोड़ा खाद उद भी डालते रहो, पर एक गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। ये देखो ये, इससे रूट्स में प्रॉपर एरेशन भी होती रहेगी। जी और ये देखो, और फिर इसमें अगर आपको जैसे मौसम ठंडा है तो ह्यूमिक एसिड वगैरह ये भी डाल सकते हो। अब जैसे ये ओके फ्लावरिंग सीजन है, देखो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है उसमें जी फ्लावरिंग, जैसे अब ये बड्स आ गई, जी इसको आपको इसको प्रोलोंग करना है, इसको फ्लावरिंग सीजन को ज्यादा जी दिन तक फूल रखना है, ओके तो ह्यूमिक एसिड आप इसमें डालिए, तो ये इसका ये पीरियड बढ़ जाएगा फ्लावरिंग का। देखो अच्छा उससे रूट्स भी इनिशिएट होती है ज्यादा, पर आप ये कर सकते हो। ठीक है जी, जी या उसका जी स्प्रे कर दो आप, स्प्रे से भी होगा। अब जब ओके जी स्प्रे करे तो वो बहुत हाई प्रेशर लो डिस्चार्ज वाला जो फार्मूला है उसी पे करिए, ताकि ये फ्यूम्स बने और इस पे पत्तों के ऊपर वो काला काला ना जमे। हाँ अच्छा। आप इनको यदि कोई खरीदना चाहे, मालपीजिया है या हाँ हाँ ये आना चाहे कोई ले ये वाले सकता है। प्लांट्स हैं? हाँ ये मालपीजिया तो हम ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, अगर किसी को चाहिए ना ये दोनों, फाइकस और मालपीजिया वगैरह। आपके पास एक कम्पेक्टक भी तो है। हाँ एक वो है, वो पूरी लाइफ में 1 फीट ही बढ़ता है, उससे ज्यादा जाता नहीं वो फाइकस। ठीक है सर, इतना ही है, थैंक यू। एक वैसे हमारे पास फ्लावरिंग करौंदा भी है, ओके। वेरिकेटेड और इधर करौंदा। आपके ये क्या रखे हैं हाँ वैसे? ये वो है जी, डीवी 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 डीवी, ये भी ये। सुंदर हाँ प्लांट है। ये भी ग्रुप्स में प्लांटेशन होती है, इसकी फॉरेस्ट ओके ओके हाँ, बनता है इसका बहुत ही सुंदर। मैं जानती हूँ इसको भी, लोग बहुत आपसे हाँ हाँ तो डीवी मांगते हैं, डेली आपके पास फोन आते ये हैं हम डीवी आपको डीवी दे सकते हैं जी, ये जी। वाला है ना डीवी डीवी हमारे पास है। ओके ये इवन नंबर्स में लगते हैं, 7, 9, 11, 13, 15, तो ओके इसमें फैमिली बनानी होती है, माँ बाप और उसके बच्चे चारों तरफ, ओके तो ओके जितनी ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी उतना अच्छा ग्रुप आएगा। तो ओके जी। ये ग्रुप प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा है, पेंजिंग्स में भी लगा सकते हो इसको। इसकी ठीक है, बॉन्साई बनती है या नहीं बोनसाई वैसे? इंडिविजुअल प्लांट्स की भी बनती है, पर एक ओके ग्रुप प्लांटेशन में बहुत अच्छा चलता है। जी। थैंक यू वेरी मच जी, ओके थैंक ओके बाय बाय। यू। ठीक दोस्तों है मैंने आप लोगों के कहने पे अपना YouTube चैनल शुरू करा है, जी और आज ही हमने माइक भी खरीदा, इससे शायद आपकी हमारी आवाज़ भी सही मिलेगी आपको। तो जी हमारे इस चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ओके और मेरा मोबाइल नंबर है 9810631964, जी 9 98 10 63 1964।